ये अपनी मिट्टू तैयार है रोर करने के लिए। इसका चेन लूप भी हो गया है, मोबाइल होल्डर भी लग गया है। मॉर्निंग दोस्तों, ट्रैवल गांव में आप सभी का स्वागत है। इस समय हो रहे हैं 9:34, तो चलिए फटाफट निकलते हैं। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर 2021, दिन है शनिवार। दोस्तों आज हम जा रहे हैं बैंड स्टैंड और बीच में गोरेगांव में चले जाएंगे फिल्म सिटी। अगर वहाँ घूमने का मौका मिला तो वहाँ घूमकर भी आपको फिल्म सिटी के भी नज़ारे दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत औसम होने वाला है, तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए मुंबई के स्वर्ग के द्वार पर। जी हाँ दोस्तों, ये है बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है। मैं कितना भी वीडियो स्किप करूं मगर इसको वीडियो में स्किप नहीं करता हूं, इसको हमेशा रिकॉर्डिंग करता हूं। आप देख सकते हैं 87 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ एक प्राकृतिक जंगल है। दोस्तों मानसून के सीज़न में तो बेस्ट है ये, यहाँ पर आना तो बनता ही है एक बार मानसून के सीज़न में। मैंने इसके 2 वीडियो डाले हैं, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। ये हम पहुँच गए हैं गोरेगांव। आप देख सकते हैं क्लाइमेट कैसा है, पूरा अंधेरा सा छाया हुआ है। वैसे मुझे बैंड स्टैंड जाना था तो मुझे सीधा जाना था, मगर मैं अभी फिल्म सिटी जा रहा हूँ तो यहाँ से लेफ्ट ले लूँगा। दोस्तों ये जो ऊंची सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है वेस्टिन होटल। दोस्तों पता नहीं फिल्म सिटी में एंट्री मिलेगी या नहीं, मुझे पता नहीं है, वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। ये हम पहुँच गए ओबराय मॉल। तारक मेहता वाला गोकुलधाम सोसाइटी यहीं पर है दोस्तों, यहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा। इस राइट से आप पहुँच जाएंगे वहाँ पर, और यहाँ से हम अगर सीधे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे फिल्म सिटी। तो हमें जाना है फिल्म सिटी। फिल्म सिटी के लिए स्ट्रेट और असली वाले गोकुल धाम के लिए राइट लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा, दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी जाना है हमें, यानी कि फिल्म सिटी जाना है, तो यहाँ से सीधे जाएंगे। दोस्तों यहाँ टाइट सिक्योरिटी है, गेट के अंदर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर आपको घूमना है तो आपको यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं शाहरुख खान बाएं फैलाए खड़े हुए हैं टिकट काउंटर पे। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग होती है, जैसे कि कपिल शर्मा शो, KBC वगैरह। तो अगर आपको अंदर जाना है तो इस बस में 500 रुपये की टिकट लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है वो बस और ये है टिकट काउंटर, यहाँ पर टिकट आपको मिल जाएगा। इंडियन सिटीजन्स या अर्थात भारतीय नागरिकों के लिए 500 रुपये का टिकट है, 1.5 घंटे की ये राइड है, और इंटरनेशनल सिटीजन्स के लिए 2000 रुपये की टिकट है इस 1.5 घंटे की राइड के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 500 रुपये की चार्जेस है, मगर आपको अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसकी टिकट बुक कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम है mumbaifilmcitytours.com। तो दोस्तों मैं वहां से निकल आया क्योंकि वहां से रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। अगर आप बस में जाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ जगहों पर फ़ोटो सिर्फ ले सकते हैं। दोस्तों हम लोग 2 लोग हैं, 1000 रुपये की टिकट लेकर अगर मैं अंदर जाऊं और कुछ रिकॉर्डिंग करने ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब चैनल मोनेटाइज होगा तो ज़रूर जाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। फिलहाल आप देखिए वेस्टिन होटल के नज़ारे, ये आप देख सकते हैं TV एक्टर्स की वैनिटी वैंस यहाँ खड़ी हैं। क्योंकि फिल्म सिटी घूमने का मौका नहीं मिला तो यहाँ नज़दीक में ही छोटा कश्मीर है और छोटा कश्मीर बोटिंग क्लब है जहाँ पर बोटिंग होती है। तो चलिए देखते हैं, अगर वो खुला होगा तो वहाँ पर कुछ एंजॉयमेंट करेंगे और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। दोस्तों अगर आप भी नेचर लवर है तो यहाँ ज़रूर आइए। मैं पहुँच गया हूँ RML कॉलोनी की एक बहुत सुंदर जगह पर जिसका नाम है छोटा कश्मीर बोटिंग क्लब। यहाँ घूमकर फिर छोटा कश्मीर पार्क में जाएंगे। क्या बात है, इतने सारे डोनाल्ड डक एक साथ यहाँ घूम रहे हैं। दोस्तों ये है छोटा कश्मीर बोट क्लब का बोट काउंटर। आप देख सकते हैं डैशिंग कार 2 पर्सन का 50 रुपये, जंपिंग के लिए 40 रुपये और डक बोट के लिए 60 रुपये है। और ठीक बगल में जलपान की व्यवस्था भी है। क्या बढ़िया सीन है, ये देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे हैं सारे बतख। एक एक पैर पे खड़े हैं और एकदम स्टिल खड़े हैं, कोई हिल नहीं रहा है। क्या बेहतरीन नज़ारे हैं दोस्तों। और पता नहीं किसके पीछे ये सब भागते जा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर सडनली खड़े खड़े अचानक से भागने लगते हैं, बहुत ही मज़ा आता है देख कर। ये देखिए भागे भागे भागे। ओके तो ये कौए को भगा रहे हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है यहाँ कहीं इनका घोंसला है, और ऊपर जैसे ही कौए को देखते हैं तो कौए के पीछे भागते हैं। ये देख सकते हैं पैडल बोर्ड, ये पैडल लगा हुआ है और पीछे की तरफ इसमें लेफ़्ट राइट करने के लिए एक हैंडल लगा हुआ है। देखते हैं क्या लगा है पीछे। जी हाँ, तो यहाँ एक बढ़िया सा जुगाड़ करके प्लाईवुड लगा दिया है। क्या बढ़िया सीन है दोस्तों, इस सीन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिलहाल ये बोटिंग बंद है, 11 बजे खुलेगी। मैं बहुत जल्दी आ गया यहाँ पर, तो अभी पहले चलते हैं पार्क में, उसके बाद वापस आके यहाँ देखेंगे क्या करना है।
कितना फनी सीन है दोस्तों, ऐसे लग रहा है यहाँ पंचायत चल रही है। देख सकते हैं एक सरपंच जी हैं भूरे रंग के और बाकी सब सफ़ेद कलर के गांव वाले हैं जो अपना अपना फरियाद लेकर आए हैं। ये देखिए ऐसे लग रहा है कि कोई फरियाद कर रहा है इनके सामने। तो चलिए नज़ारे तो बेहतरीन है, हम चलते हैं छोटा कश्मीर गार्डन में और आते हैं वापस। दोस्तों छोटा कश्मीर उद्यान ज़्यादा दूर नहीं है, एग्जैक्टली अपोजिट में है। रोड के इस तरफ पे छोटा कश्मीर बोट क्लब है और रोड के उस तरफ ऊपर की ओर छोटा कश्मीर गार्डन है। मैं बहुत साल पहले आया था छोटा कश्मीर गार्डन में, शायद स्कूल की पिकनिक में आया था। तो दोस्तों यहाँ से हमें राइट लेना पड़ेगा, आप देख सकते हैं ये जो ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है यहाँ से हमें जाना पड़ेगा छोटा कश्मीर उद्यान के लिए, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट में छोटा कश्मीर बोट क्लब है। दोस्तों ये बढ़िया है, बाईं तरफ फ्री पार्किंग है और दाहिनी तरफ गेट है उद्यान का, अवलोकन स्थल आर्य उद्यान इसका नाम है। ये बगल वाली बाइक के हैंडल पे कीड़ा है, अगर आपको इसका नाम पता हो तो बता दीजिए कमेंट करके। 12 साल तक के बच्चों का 3 रुपया, 12 साल के ऊपर के व्यक्ति का 5 रुपया, और अगर आप कैमरा लेके आते हैं तो कैमरे का 20 रुपया। आप देख सकते हैं टाइमिंग भी लिखा हुआ है, मैंने 2 टिकट ले ली है 5-5 रुपये की, यानी 10 रुपये की 2 टिकट। मेरे पास DSLR नहीं है, मेरे पास सिर्फ है इंस्टा 360 1X2, फिर भी मैंने उसके लिए 20 रुपये की कैमरे वाली टिकट ले ली है। आप देख सकते हैं अवलोकन स्थल आर्य उद्यान इसका नाम है और नीचे लिखा हुआ है छोटा कश्मीर। और चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके नज़ारे, काफ़ी सालों बाद आया हो तो बता नहीं सकता कैसा होगा। चेक पोस्ट खाली है, कोई चेकिंग नहीं कर रहा है, और ठीक एग्जैक्टली अपोजिट में कितना बड़ा सा गार्डन है, बहुत ही सुंदर गार्डन है। ये आप देख सकते हैं ये कांटों के पौधे क्या खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों जगह बहुत ही खूबसूरत है मगर मोस्टली यहाँ कपल्स ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों 1 बज गए हैं और अब लग रही है भूख, तो अभी हमें खाने खाने जाना पड़ेगा। दोस्तों पार्क तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है और बहुत अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि सांप और दूसरे जानवर होने का भी डर है यहाँ। पता नहीं इसका नाम छोटा कश्मीर क्यों है, इतना कुछ खास ये पार्क नहीं है। आप देख सकते हैं गेट के सामने खाने पीने की भी ऑप्शंस हैं, वेज नॉन वेज दोनों यहाँ मिलता है, मैंने अभी पता किया, मगर मुझे प्योर वेज चाहिए तो मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप बाई चांस यहाँ आते हैं तो यहाँ खा सकते हैं। तो आप छोटा कश्मीर उद्यान घूमने के बाद आप बोट क्लब जा सकते हैं, वो एक अच्छी जगह है। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आपको कहीं अगल बगल रेस्टोरेंट कोई अच्छा ना दिखाई दे तो स्टेशन रोड की तरफ बढ़ चलिए। मैं अभी जा रहा हूँ गोरेगांव स्टेशन, शायद हो सकते हैं वहाँ कोई खाने का ऑप्शन मिल जाए। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, स्टेशन रोड ये देखिए, एक बहुत ही बढ़िया वेज रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, उडुपी नाम का, तजुर्बा काम आया। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पार्किंग के लिए जगह भी अवेलेबल है, क्या बात है। दोस्तों बाहर से जितना अच्छा ये रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है और फुल्ली पैक्ड है। दोस्तों मुश्किल से सीट मिला है, वो भी एसी रूम के अंदर, बाहर अवेलेबल नहीं है। जैसा कि वेटर ने बताया कि यहाँ की स्पेशलिटी है झुनका भाकर, तो मैंने एक झुनका भाकर ऑर्डर किया और एक पाव भाजी। आप देख सकते हैं भाकर है और ये झुनका जो बेसन का शायद बना हुआ है, और भाकर जो है वो ज्वारे की रोटी, ज्वारे के आटे की बनी हुई है सॉरी, और पाव भाजी तो आप जानते ही हैं। बढ़िया टेस्ट है, मस्त। दोस्तों बहुत ही टेस्टी खाना और बहुत ही सस्ते रेट पर। चलिए अब चलते हैं बैंड स्टैंड, ये है अपनी मिट्टू। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं बैंड स्टैंड पर, तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम।